वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 10 नवंबर 2020 और आज हम डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक को टेक्निकली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस स्टॉक में क्या प्राइस एक्शन आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये डॉक्टर रेड्डी का मंथली चार्ट है और जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे अच्छे बुलिश अपट्रेंड में ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है और अपने हायर टाइम फ्रेम में ये स्टॉक अच्छा खासा एक अपट्रेंड में ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट का अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए एक अच्छे मूव्स, हल्का सा करेक्शन, अच्छा मूव्स, हल्का सा करेक्शन, अच्छा मूव्स और हल्का सा करेक्शन। तो जो करेक्शन हम देख रहे हैं उसके कैंडल का जो साइज है वो बढ़ते हुए जा रहा है। अगर आप देखेंगे इस कैंडल का जो साइज है उससे इससे का इस कैंडल का साइज बड़ा है और अभी जो लेटेस्ट प्रीवियस मंथ का जो करेक्शन का कैंडल था उसका साइज हमें बड़ा दिख रहा है। अगर हम करेक्शन के कैंडल्स का अगर यहाँ पर वैल्यूम चेक करें तो वैल्यूम्स भी हमें प्रीवियस जो कैंडल्स है करेक्शन के उनके कंपेयर में ये बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अभी तक जो चार्ट पैटर्न्स ऑन वीकली चार्ट पर बने हुए हैं उससे जैसे कि हमने देखा इसका मंथली ट्रेंड अप है और साथ ही साथ इसका वीकली ट्रेंड भी अप है। मैंने इस टू लोस को कनेक्ट करके यहाँ पे एक वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और यहाँ एक फ्रेश वीकली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जो कि 4450 के आसपास है। 4253 से लेकर तो 4450 के आसपास एक वीकली डिमांड जोन है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। और जैसे कि हम यहाँ पर चार्ट पर देख पा रहे हैं कि वीकली और मंथली ट्रेंड अप है लेकिन यहाँ पर डेली ट्रेंड हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि डेली ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका है। अब हमें इस स्टॉक में एक पोजिशनल या स्विंग ट्रेंड हम ले सकते हैं जब ये जो प्राइस है नीचे यहां अगर आता है 4400 के आसपास तब हम इस स्टॉक में एक एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमें प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक अपने इस वीकली डिमांड जोन को टेस्ट कर सकता है। अगर नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं हम डेली चार्ट पर और वहां पर देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो वीकली डिमांड जोन है वो बहुत नीचे है 4480-19 के आसपास और अगर ये प्राइस आने वाले ये मैंने यहाँ पर एक डेली चार्ट पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये एक सपोर्ट प्राइस है। जैसे कि हम देख पा रहे स्टॉक का डेली ट्रेंड तो डाउन है और यहाँ पर एक फ्लैग जैसा भी फॉर्मेशन बन रहा है, एक ट्रायंगुलर जैसा भी हमको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और ये जिस तरीके से एक डेली ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है तो ये जो प्राइस है 4830 का, तो यहाँ पर स्टॉक ने फर्स्ट टाइम एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की एक हल्की सी कोशिश, फिर स्टॉक का प्राइस नीचे आया और अभी तीन या चार दिन के ट्रेडिंग सेशन पहले सेम प्राइस पे 4830 के प्राइस पे फिर से सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अब हमारे पास ये पूरा एक ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है तो आने वाले 10 से या उससे भी कम ट्रेडिंग सेशन में ये डिसाइड होने दीजिए स्टॉक को कि ये सपोर्ट ब्रेक करके वो यहाँ पर आता है अपने वीकली डिमांड जोन में या फिर ये जो डेली डाउन ट्रेंड है उसको ब्रेक करके रिट्रेसमेंट पे जब ये यहाँ पर आएगा 4980 के आसपास तो तब भी हम इस स्टॉक में एक लॉन्ग ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। तो ये था डॉक्टर रेड्डी का डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।